Hey everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara. So today is our third lecture class and let's get started. So सबसे पहले मैं आपको अगेन बताऊंगी एंड मैं अगेन एंड अगेन अपने हर लेक्चर में ये बात बता रही हूँ कि किस तरह हमने जो प्रीवियसली लेक्चर क्रिएट किया था, सॉरी फोल्डर क्रिएट किया था विजुअल स्टूडियो का, हम उसको अगेन किस तरह से ओपन कर सकते हैं ताकि आगे जाकर आप लोगों को कोई भी इशू फेस ना हो. सो मैंने लेक्चर वन का फोल्डर ही क्रिएट किया था, मैं इसको ओपन करती हूँ. ओपन करने के बाद हम बहुत सिंपल है, लेक्चर वन डॉट एस एल एन पर क्लिक करेंगे. सो हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया. सो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लेक्चर वन का जो फोल्डर था उसमें से मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है. सो आज हम अपने लेक्चर में जो चीज पढ़ेंगे वो ये है, एक तो मैं बेसिक बात आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ टैग एंड डिव टैग. सो चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ. यू ऑल नो अबाउट पैराग्राफ टैग एज आई प्रीवियसली taught in my last lecture, right? If you have any issue about that, kindly let me know. ताकि हम जब आगे बढ़े तो आप, मैं चाहती हूँ आप सबके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें और आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ें. ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुझे कमेंट बिलो में बताइएगा या जैसे भी आप मुझे बताना चाहें आप मुझे बताइएगा कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और हम उसको किस तरह से यूज करते हैं अपने वेब पेज पे. ओके, सो दो बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी. एक तो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ टैग एंड डिफ टैग इन अ वेब पेज, और कौन सा रिलायबल रहता है और कौन सा जो है हम यूज कर सकते हैं. ओके, एक तो मैं ये बात बताऊंगी. दूसरी मैं ये बात बताऊंगी कि हम टैग्स एलिमेंट में ही टैग्स एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं. आई मीन टैग विद इन अ टैग एलिमेंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आऊंगी टैग विद इन अ टैग एलिमेंट पर. सो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में और मैं अगेन बता रही हूँ कि हम कोई भी हमें कंटेंट अपने वेब पेज में ऐड करना होता है तो उसके लिए हम टैग्स यूज करते हैं. मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज कर रही हूँ अगेन. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा आई एम सारा, कंट्रोल एस दबाया, मैं अपने फोल्डर पर गई, यहाँ से मैंने अपना HTML पेज ओपन किया. आप देख सकते हैं आई एम सारा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर वेब पेज पर. अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस आई एम सारा को बोल्ड फॉन्ट में लिखूं, तो हम अपने इस टैग के अंदर एक और टैग ऐड कर सकते हैं विच इज बोल्ड टैग. सो दिस इज कॉल्ड टैग विद इन अ टैग एलिमेंट. मैंने यहाँ पर भी ऐड किया, टैग को बंद किया, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टैग विद एंडिंग टैग और बीच में कॉन्टेंट होना चाहिए. तो मैं यहाँ से आई एम सारा को हटाऊंगी और मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल एस. अब आप देखिएगा ये जो आई एम सारा लिखा हुआ है ये बोल्ड में आपको शो होगा. सी या इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप टैग विद इन अ टैग यूज करेंगे तो हमेशा जो स्टार्टिंग टैग होगा वहीं पर एंड होना चाहिए. लेट सपोज आई मीन दैट कि यहाँ पर अगर आपने बोल्ड स्टार्ट किया तो आपकी एंडिंग बोल्ड पर ही हो. पी टैग आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, ये आपका एंड हो गया. बोल्ड टैग आपने यहाँ पर यूज किया, ये आपका एंड हो गया. इसी तरह अगर मैं चाहूंगी कि मैं अपने बोल्ड के साथ साथ अपने फॉन्ट को एक्रेलिक कर दूं, तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक ऐड किया, अगेन मैं आई एम सारा को यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दी, कंट्रोल एस. व्हाट वी सी कि हमारा जो है एक्रेलिक भी होगा बोल्ड भी. सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्टिंग टैग पी था तो एंडिंग हमारा स्लैश पी सबसे लास्ट में रहा. फिर हमारा सेकंड नंबर पर बी टैग था तो हमारा यहाँ से लास्ट में भी सेकंड नंबर पर बी स्लैश बी के साथ ही हुआ. आई एक्रेलिक टैग यहाँ पर एंड टैग. अच्छा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है विजुअल स्टूडियो वो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंस अपनी शो करता है. लेट सपोज अगर मैं इस आई टैग को बाय मिस्टेक इधर प्लेस
तो मैं बता रही थी कि अगर मैं बाय मिस्टेक अपने एक्रेलिक टैग को उसका क्लोजिंग एंड में प्लेस कर दूं, तो हमारा इंटेलिजेंस जो है प्लेटफॉर्म का, मतलब विजुअल स्टूडियो, वो खुद इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद आपको ग्रीन लाइंस अंडरलाइन शो करेगा कि आपने कोई मिस्टेक कर ली है, और आप देखते ही समझ जाइएगा कि आपने एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में मिस्टेक करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा टैग का रूल है कि स्टार्ट टैग, बीच में कोई कंटेंट, एंड देन एंड टैग। तो इसका स्टार्ट तो ये रहा, बट एंड देखें आप बोल्ड बन रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से हटाऊंगी और इसको इधर ही क्लोज करूंगी। अब देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके, सो ये तो हमने एक चीज पढ़ ली, टैग विद इन अ टैग एलिमेंट। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि हम डिफ कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने अपने पास पहले से पैराग्राफ ऐड किया हुआ था, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। एक्चुअली पैराग्राफ टैग हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। पहले मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बात खत्म कर रही थी, अब मैं पैराग्राफ ही यूज कर रही हूँ। मैंने ये पैराग्राफ विकिपीडिया से उठाया था। आपको जो भी अपने वेब पेज में पैराग्राफ ऐड करना होगा आप वो ऐड करेंगे। सो ये रहा स्टार्टिंग टैग, बीच में ये कॉन्टेंट पैराग्राफ का आ गया, एंड दिस इज द एंडिंग टैग। कंट्रोल एस, आपको मैं दिखाऊंगी, आपके पास पैराग्राफ शो होगा। लुक, ओके? इसी तरह मैं आपको एक चीज ये बता रही थी कि अगर मैं एक और पैराग्राफ अपने पास ऐड कर लू, यानी मैंने अब ये दो पैराग्राफ, तो होगा क्या, ये देखें, एक पैराग्राफ ये रहा और एक पैराग्राफ ये रहा, इन दोनों के बीच में एक लाइन आ रही है। तो जब भी हम पैराग्राफ टैग्स यूज करते हैं दो बार, एक बार हमने पैराग्राफ टैग ये यूज किया, एक बार हमने ये यूज किया, तो जब हमने अपने वेब पेज पर देखा तो हमें बीच में स्पेस लाइन शो हुई। बट अगर हम चाहें कि हमें ये बीच में स्पेस लाइन नहीं चाहिए और हमें ऐड भी पैराग्राफ ही करना, तो उस चीज के लिए हम यूज करेंगे डिफ टैग। इस जगह पर जाकर हमारे पास डिफ टैग का कॉन्सेप्ट आया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं, मैंने यहां पर कॉपी किया और मैंने इस पी टैग को चेंज कर दिया डिव में, ओके? इस तरह नीचे वाले को भी, यानी मेरे पास जो डिफ टैग होता है ना, बेसिकली वो भी पैराग्राफ टैग का ही काम करता है। बट मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि हम डिफ टैग कब यूज कर सकते हैं और पैराग्राफ कब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया। एक और बात ये देखें, जब मैंने यहाँ पर डिफ को चेंज किया तो ऑटोमेटिक मेरे पास एंडिंग टैग खुद ही डिफ हो गया, ओके? अब आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बिटवीन गैप आ रहे हैं, वो गैप पैराग्राफ टैग यूज करने की वजह से आ रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं चाहूं कि मुझे गैप नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं डिफ टैग यूज करूंगी। ये देखें आप, वेब डेवलपमेंट इज द वर्क, यहाँ पर ये गैप और अगेन यही लाइन शुरू हुई थी, इज द वर्क। जब मैंने डिफ टैग यूज किया तो ये देखें इसने लाइन को खत्म कर दिया, वेब डेवलपमेंट इज द वर्क, और ये रहा वेब डेवलपमेंट इज द वर्क, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप था वो इसने खत्म कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराग्राफ एंड डिफ टैग। और ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप पैराग्राफ टैग यूज करना चाह रहे हैं, डिफ, दोनों रिलायबल हैं, दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों इजी टू यूज हैं। ओके, ऊपर मैंने आपको बताया था टैग विद इन अ टैग एलिमेंट। व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पर मैं चाहूँ कि यार मैं अपने पहले वाले पैराग्राफ को एक बोल्ड कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे बी एड किया, कंट्रोल एक्स, और मैंने यहां पर कंट्रोल एस दबाया, मैंने सी, ये मेरे पास बोल्ड हो गया। सो मुझे लाजमी बताइएगा क्या आप लोगों को आज के दो कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं आए, टैग विद इन अ टैग एलिमेंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड डिफ टैग। सो थैंक यू वेरी मच।